हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़ हम आज देख रहे हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे SCM प्रोसेस का पार्ट वन। SCM स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट दी चेंज मैनेजमेंट। के सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंटेंट विल बी व्हाट डू वी नीड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एंड द लास्ट कंटेंट विल बी टास्क इन SCM प्रोसेस। मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में कौन कौन से टास्क आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। SCM क्या होता है? सो फर्स्ट पॉइंट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस टू सिस्टमैटिकली मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स, कोड्स एंड अदर एंटिटीज ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नाउ सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जब आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हो, उसका इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान SDLC के दौरान कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। आपके प्रोसेसेस में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जो जो टास्क आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर जो प्रॉपर प्लान आप फॉलो कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंटेशन आपका है, जो कुछ भी कोडिंग है, सो किसी भी एंटिटी में चेंजेस आ सकते हैं और कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। सो उन सारे चेंजेस को आपको आपके करंट SDLC साइकिल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अडॉप्ट कर लेना पड़ता है। वो चेंजेस जब भी आपके SDLC में आते हैं, तभी आपको उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना पड़ता है प्रॉपरली, ताकि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अफेक्ट ना हो, आपकी प्रोसेस अफेक्ट ना हो, आपका डेवलपमेंट कंटिन्यूसली शुरू रहे। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज और जनरल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ व्हाट इट इज़ अ प्रोसेस टू सिस्टमैटिकली और टू इफेक्टिवली अक्वायर और मैनेज एनी काइंड ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ इसेंशियल टू कंट्रोल द चेंजेस इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इफ द चेंजेस आर नॉट चेक लेजिटिमेटली देन दे मे वाइंड अप अंडरमाइनिंग अ वेल रन प्रोग्रामिंग। अगर कोई भी चेंजेस आपके कंटिन्यूस प्रोसेस में आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कोई भी चेंजेस अगर आते हैं और उनको अगर आपने प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर लिया आपके ऑनगोइंग प्रोसेस में, तो दे कैन वाइंड अप अंडरमाइनिंग अ वेल रन प्रोग्रामिंग। जो आपका एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग शुरू है, जो आपकी एक इफेक्टिव डेवलपमेंट आपका प्रोसेस शुरू है, उसको अफेक्ट कर सकते हैं चेंजेस। तो इसके लिए जो कुछ भी चेंजेस आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान आते हैं, उनको आपको प्रॉपरली अकोमोडेट कर लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द प्राइमरी गोल इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद मिनिमल मिस्टेक्स। प्राइमरी गोल क्या होता है SCM का, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर प्रोडक्शन। आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो आपका आपका जो प्रोडक्शन शुरू है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना विथ मिनिमल मिस्टेक्स, कम से कम मिस्टेक्स के साथ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, ये मेन गोल होता है आपके SCM प्रोसेस का, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज, इन दिस वे SCM इज़ अ फंडामेंटल पीस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में SCM को इनकॉर्पोरेट करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी में यू कैन कम अप विथ चेंजेस, एंड उन चेंजेस को प्रॉपरली एक्वायर करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आपको SCM इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इट यूजेस द टूल्स विच कीप दैट द नेसेसरी चेंज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एडिक्वेटली टू द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट। अभी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कुछ टूल्स का यूज़ करता है, वो टूल्स प्रॉपरली जिस कंपोनेंट में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को, उन प्रॉपर कंपोनेंट्स को इफ़ेक्टिव वे में उनका एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट शुरू रखता है, कुछ भी उस पर अफेक्ट नहीं होने देता। सो ऐसे कुछ टूल्स आप यूज़ करते हो SCM में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज, व्हाई डू वी नीड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको हम चेंज मैनेजमेंट रफली कहते हैं, तो व्हाई वी नीड दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ड्यूरिंग दी SDLC। सो द फर्स्ट रीज़न इज, देर आर मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर विच इज़ कंटिन्यूअली अपडेटिंग। अभी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें किसी एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखने के लिए मिलता है। सो
उन मल्टीपल पीपल के वजह से आपको मल्टीपल चेंजेस या फिर मल्टीपल व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं जब आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हो, और उन मल्टीपल व्यूज़ को प्रॉपरली मैनेज करके एक इफ़िशियंट एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इट मे बी अ केस वेयर मल्टीपल वर्जन ब्रांचेस ऑथर्स आर इन्वॉल्व इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब बहुत मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ पीपल माइट इन्वॉल्व, मल्टीपल ऑथर्स माइट इन्वॉल्व। सो इन सब सारे सिचुएशंस में अलग अलग तरह के लोग अगर है, अलग अलग वर्जन्स अगर आपको एक ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलप करना है, तो उन सारे डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, चेंजेस इन यूज़र रिक्वायरमेंट पॉलिसी बजट शेड्यूल नीड टू बी अकोमोडेट। अभी कभी भी यूज़र के रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आ सकते हैं। जब तक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप होके आप कस्टमर को डिलीवर नहीं करते, तब तक सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। आपकी एक डेवलपमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ सकते हैं, आपका बजट कम ज़्यादा हो सकता है, आपका शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। सो इन सारे डिफरेंसेस को, इन सारे डिफरेंट कंडीशंस को मैनेज करने के लिए यू विल ऑलवेज नीड दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू रन ऑन वेरियस मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, जिसका आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मस्ट बी एबल टू रन ऑन वेरियस मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अलग बहुत बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सो आपने एक सॉफ्टवेयर कोई अगर डेवलप किया तो किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर सपोर्ट करता है, तो दैट विल बी डेफिनेटली नॉट मीन्स इनइफेक्टिव प्रोडक्ट रहेगा वो। तो प्रोडक्ट्स की इफ़ेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपका एक प्रोडक्ट वेरियस मशीन्स पे एज वेल एज वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन होना चाहिए। और इस बात को मैनेज करने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हेल्प्स टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से क्या होता है कि जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपके प्रोडक्ट के रहेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा ड्यू टू दी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज़, एसटीएम प्रोसेस दैट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू कंट्रोल द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग चेंजेस टू अ सिस्टम। एसटीएम के वजह से क्या होता है कि जो कुछ भी चेंजेस आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वो चेंजेस प्रॉपरली अकोमोडेट करने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा कम लगता है। ठीक है, अगर प्रॉपर एसटीएम पॉलिसीज आपने इम्प्लीमेंट की तो इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल टू कंट्रोल दी कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग चेंजेस। सो ये रहे कुछ रीजन्स कि आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नाउ द लास्ट कंटेंट इन टूडेज लेक्चर इज टास्क इन एसटीएम प्रोसेस। कौन कौन से टास्क एसटीएम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट टास्क इज कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। नाउ व्हाट डज कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन मीन्स। सो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सिंपली सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्कोप जानना मतलब कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन करना। अभी सॉफ्टवेयर का स्कोप मतलब क्या है, हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में देखा है कि आपके सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, कौन से प्रोसेसेस आप इंप्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कौन सा लाइफ साइकिल यूज़ करके, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। मतलब एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का कंप्लीट स्कोप जान लेना मतलब कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। सो एसटीएम में सबसे पहला टास्क होता है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप यू कैन मैनेज और कंट्रोल समथिंग इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ इट। मतलब कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन करके आप मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में या किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं भी पता, तो ऐसे भी केसेस में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प के वजह से आप वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स या वो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हो इजीली। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स द CSCI। CSCI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम एज वेल एज प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर एंड वर्जन इंफॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन अगर आप करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन आपको CSCI का टाइप मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम का टाइप भी बता देगा,
प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर भी बता देगा एंड वर्जन की इंफॉर्मेशन भी आपको इजीली मिल जाएगी, कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर रहे हो। सो ये सब सारी बातें आपको मिल जाती है जब आप कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन आप इंप्लीमेंट करते हो सिस्टम पे। नेक्स्ट टास्क इन SCM इज़ बेसलाइन। नाउ बेसलाइन मतलब क्या होता है कि अ बेसलाइन इज़ अ फॉर्मरली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम का जो फॉर्मरली एक्सेप्टेड, जो बेसिकली एक्सेप्टेड वर्जन होता है उसे कहा जाता है बेसलाइन। इट इज़ डेसिग्नेटेड एंड फिक्स्ड एट स्पेसिफिक टाइम वाइल कंडक्टिंग द SCM प्रोसेस। SCM प्रोसेस जब आप कंडक्ट करते हो तो इट इज़ डेसिग्नेटेड एंड फिक्स्ड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है आपका बेसलाइन। इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स। बेसलाइन को अगर आपको चेंज करना है तो इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू दी फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करके ही आप बेसलाइन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टास्क इज चेंज कंट्रोल। अभी चेंज कंट्रोल में क्या होता है? सो चेंज कंट्रोल इज़ अ प्रोसीजरल मेथड विच इंश्योर्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी वेन चेंजेस आर मेड इन द कॉन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कुछ चेंजेस आपने आपके सॉफ्टवेयर में कर भी लिए तो भी दिस चेंज कंट्रोल मेथड विल इंश्योर योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। चेंजेस आपने अकोमोडेट कर भी लिए, चेंजेस मैनेज कर भी लिए तो भी आपकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी पे उसका कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग चेंज कंट्रोल एक टास्क SCM में इंप्लीमेंट करते हैं। इन दिस स्टेप द चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड टू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। जो भी चेंजेस आते हैं कस्टमर से या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो सारी चेंज रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को। नाउ द नेक्स्ट टास्क इन SCM प्रोसेस इज कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग। अभी कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग में क्या होता है? सो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग ट्रैक्स ईच रिलीज ड्यूरिंग द SCM प्रोसेस। SCM प्रोसेस में बेसिकली क्या कि चेंजेस को प्रॉपरली मैनेज करना है। अभी अगर कुछ चेंजेस आए तो आपके सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन रिलीज आप करोगे, उस नए वर्जन पे वर्क करने के टाइम पे अगर और कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर से आप अनदर वर्जन उसका रिलीज करोगे। सो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग सिंपली कीप ट्रैक्स ऑफ ईच रिलीज ऑफ योर सॉफ्टवेयर। मतलब आपके एक करंट सॉफ्टवेयर के जितने भी रिलीजेस आप दोगे उन सभी रिलीजेस का ट्रैक रखता है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग व्हाट ईच वर्जन हैज़ एंड द चेंजेस दैट लीड टू दिस वर्जन। मतलब हर एक रिलीज में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है और ये जो नया जो रिलीज़ आपने किया वो क्यों किया, उसके रीजंस क्या थे, ऐसी कौन सी उसमें चीज़ें हैं जो आपके प्रीवियस रिलीज़ में नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग में। एंड द लास्ट टास्क विच इज़ इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स एंड रिव्यूज़। सो द फर्स्ट पॉइंट इन कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स एंड रिव्यूज़, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स वेरीफाई दैट ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द बेसलाइन नीड। बेसलाइन मतलब एक बेसिक प्रोडक्ट, एक बेस प्रोडक्ट, ठीक है। सो उस बेसलाइन की हर एक नीड आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, आपकी हर एक नीड फुलफिल की जा रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स एंड रिव्यूज़ कैरी आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंश्योर्स दैट व्हाट इज बिल्ट इट व्हाट इज डिलीवर्ड। जो कुछ भी आपने बिल्ड किया, जो कुछ भी आपने इंजीनियर किया उसी को आप डिलीवर कर रहे हो, ये इंश्योरिटी देने के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स एंड रिव्यूज़ का यूज़ किया जाता है। सो ये रहे कुछ टास्क जो कि हमको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के दौरान इम्प्लीमेंट करने होते हैं। आई होप आपको SCM प्रोसेस का पार्ट वन यहाँ पे क्लियर हुआ हो। अगर कुछ क्वेरीज है सो यू कैन आस्क। इसका पार्ट टू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तब तक के लिए चैनल पे बने रहे। थैंक यू।